ये घास है इसे कहते हैं, ये स्वर्ग की घास है भाई, ये देख सकते हैं। तो भाई ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री करने वाला हूँ, बट जैसे स्तंभ और यहाँ लिखे हुए हैं मंत्र विष्णु जी की आरती के लिए। घंटों की एक खास बात ये होती है, जो इनमें से ध्वनि निकलती है ना, वो भाई हमारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती है और पॉजिटिव एनर्जी एंटर होती है। तो भाई नेपाल में बहुत सारे ऐसे रहस्यमय मंदिर है और बहुत ही पुराने पुराने मंदिर है, तो इसे लैंड ऑफ टेम्पल भी बोला जाता है नेपाल को। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में, और आज हम आए बुद्ध नीलकंठ टेम्पल। भाई इस टेम्पल की एक ख़ास बात यह है कि जो विष्णु जी की मूर्ति है ना, वो लेटी हुई है और पानी में है, तो बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है। वही हम देखने आए हैं और आपको दिखाएंगे इस मंदिर की क्या ख़ास बात है। भाई अंदर आते ही आपको ये दिख जाएगा, आप पक्षियों को खाना वगैरह डाल सकते हैं। फिर राइट साइड में आपको शिवलिंग दिखाई देगी, बहुत ही पुराना और विशाल, बहुत ही पुराना मंदिर है ये देख सकते हैं। भाई ये पूरा मंदिर है इस तरीके का कुछ, और सामने आपको पोस्टर दिख सकता है, उसी तरीके की मूर्ति दिखाऊंगा मैं अभी आपको। भाई ऐसी मूर्ति कहीं नहीं देखी होगी। ये जो है ना मंदिर में, ये मूर्ति है विष्णु जी की लेटे हुए की नागवंश पे, और ये भाई चेक पोस्ट है इधर का, यहाँ पूजा वगैरह चल रही है। नेपाली जो होते हैं पंडित, और किस तरीके का ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं देख सकते हैं, पूरे टोपी वगैरह। और आगे जाएंगे भाई, अभी दिखाएंगे हम आपको ये दिए वगैरह जलाने का जगह है यहाँ। उसके बाद भाई अंदर आते ही ये दो बड़े घंटे दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं इतने बड़े घंटे मैंने नेपाल में ही देखे हैं। और फिर आता है ये वाला मंदिर जिसमें चारों तरफ घंटियाँ लगी हुई है। तो भाई ये आप स्टैचू देख सकते हैं, पूरा एक स्तंभ कहते हैं इसे स्तंभ, और यहाँ लिखे हुए हैं मंत्र विष्णु जी की आरती के लिए, और ये चारों तरफ आपको घंटियाँ दिख जाएगी बंधी हुई। ये भाई मंदिर है, ये देख सकते हैं इस तरीके की पुरानी मंदिर की मूर्तियाँ रखी हुई है यहाँ। और ये दो साइड में झंडे हैं जो लोहे के हैं, और पानी फिरा हुआ है यहीं पे। फिर यहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग, इसके बाद दिए जलाने की ये जगह, और भाई ये देख सकते हैं कितना बड़ा घंटा है यहाँ। तो इसी तरीके से यहाँ भी भाई नेपाली में लिखा हुआ है मंत्र विष्णु जी के लिए, और ये घास है इसे कहते हैं, ये स्वर्ग की घास है भाई, ये देख सकते हैं कितनी संवार के रखी हुई है, और ये घंटा भाई इतना बड़ा, तो भाई इन बड़े घंटों की एक ख़ास बात ये होती है, जो इनमें से ध्वनि निकलती है ना, वो भाई हमारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती है और पॉजिटिव एनर्जी एंटर होती है। तो जितने बड़े घंटे होते हैं, जितनी अच्छी आवाज़ आएगी, उससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है और कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो उस तरीके से आपको फील आएगा। तो भाई यही इनका मेन मोटिव होता है बड़े घंटों का, छोटे घंटों का। तो अगर जो पुराने और रहस्यमय मंदिर होते हैं, उनमें बड़े घंटे जरूर दिखाई देंगे आपको। तो भाई नेपाल में बहुत सारे ऐसे रहस्यमय मंदिर है और बहुत ही पुराने पुराने मंदिर है, तो इसे लैंड ऑफ टेम्पल भी बोला जाता है नेपाल को। और भाई और भी जितने अलग मंदिर होंगे मैं सब आपको दिखाऊंगा, और इनमें से एक यही मंदिर जो है ना, ये बहुत ख़ास है अपने आप में, क्योंकि विष्णु जी की ऐसी मूर्ति इतनी बड़ी विशाल इस तरीके की, जैसे स्वर्ग में विष्णु जी लेटे रहते हैं, वो आपको दिखाई देगी। अभी अभी मैं अंदर एंट्री करूँगा तो आप दिखाऊँगा। तो भाई ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री करने वाला हूँ, बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। ये है भाई पहली ऐसी मूर्ति। तो भाई ये था पूरा मंदिर परिसर। तो इसकी एक ख़ास बात ये है, जो ये मूर्ति थी ना, ये खुद हनुमान जी ने स्थापित करी थी। पहले तो छोटी थी, बट इन्होंने बड़ी बना दी,
और उसका एक ये भी है कि जो इसके साइड में पानी है ना, अगर उसमें कोई कुछ लिख के डाल दे तो उसकी बहुत जल्दी विष पूरी हो जाती है। तो भाई ये एक बहुत ही अनोखा मंदिर देखा मैंने, जिसमें ऐसी मूर्ति दिखाई देगी विष्णु जी की आपको, बिल्कुल लेटे हुए पानी में, चारों तरफ तालाब है। तो ये डिस्क्राइब करा हुआ है जैसे विष्णु जी लेटे रहते हैं अनंत सागर में जो ब्रह्मांड में है, वो इसको यहाँ डिस्क्राइब करा हुआ है। और भाई ये पहला ऐसा मंदिर है और सबसे विख्यात है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और एक बार जरूर विज़िट करें अगर आप भी आ रहे हैं नेपाल, तो भाई बहुत ही अलग मंदिर। तो भाई ये था आज का हमारा पूरा व्लॉग, और कैसा लगा व्लॉग तो भाई कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें भाई।